का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अच्छा सुझाव दिए और अगले साल के इलेक्शन प्लान में इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो कमी रही है अगले साल उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं अभी डॉक्टर ए के राय साहब को कहना चाहूंगा जो वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर। परम आदरणीय और इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष और अपनी लोकप्रियता एवं अपने स्वभाव से संस्थान के सबसे प्रधान और रहे वैज्ञानिक डॉक्टर पीडी शर्मा सर, जिन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए उसको हम अपने केंद्र के और संस्थान के जो भी हमारा एक्शन प्लान बनेगा उसमें हम उसको कॉर्पोरेट करेंगे। और साथ ही उन्होंने सबने जो एक्शन टेकने की बात की, सोलर की बात की और वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसके संबंध में हम जो है रिपोर्ट नेक्स्ट पीपीटी में नेक्स्ट जो हम एक्शन प्लान प्रेजेंट करेंगे उसमें करेंगे सर। डॉक्टर संजय सिंह सर जो हमारे बहुत ही नजदीक रहते हैं सर, सर जब भी आवश्यकता पड़ती है हमें हर चीज के लिए सहयोग सपोर्ट करते रहते हैं। और हमारे कोई भी छोटा हो बड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें सहयोग करते हैं। आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे वैज्ञानिक सलाहकार समिति में, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हुए मुकेश चौधरी सर, एसीएफ जो कि आज छुट्टी का भी दिन है लेकिन उन्होंने अपना हमारे लिए बहुमूल्य समय दिया और अपने सुझाव दिए जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एके सिंह साहब जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और समय समय पर हम लोगों को सलाह सुझाव देते रहते हैं, जिन्होंने अभी इंडिकेटेड फार्मिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, मल्चिंग पर जो उन्होंने सुझाव दिया वो हमारे लिए जो है स्वीकार्य है और हम लोग उस पर काम करने का आश्वासन देते हैं। अपर राव साहब वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने प्रधान वैज्ञानिक जिन्होंने हमारे बहुत सारे किसानों की सॉयल और वाटर का सैंपलिंग जब भी हम ले जाते हैं लैब में हमारा पूरा सहयोग करते हैं, हम उनकी रिपोर्ट बनाते हैं और सबमिट करते हैं उसके लिए। और साथ साथ हमारे जो इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। वैज्ञानिक विकास डॉक्टर विकास यादव जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मिश्रा सर जिन्होंने सुझाव के समय थोड़ा सा बाहर चले गए थे लेकिन सुझाव नहीं दे सके, फिर आगे हम इनसे सुझाव लेंगे और इसलिए लेकिन इन्होंने समय दिया, पूरा समय दिया हमको, तो इसके लिए हम सर का बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर विकास यादव, डॉक्टर लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर गंगाधर जिन्होंने अपने अच्छे सुझाव और दिए और साथ साथ हम लोग बहुत ही कोऑपरेट और सहयोग करते रहते हैं। हम लोग साथ मिलके किसी चीज पर डिस्कस होता है तो उसको हम करते भी रहते हैं, उसके लिए आज आप लोगों ने हमारे सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया, सुझाव दिए, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। एफएओ श्री निहाल सिंह साहब जिन्होंने बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण भाग भी हैं और उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में जो थोड़ी सी समस्याएं आती है जैसे आप टाइम से सीड का जो किसानों के पास नहीं दे पाते हैं उसके बारे में उनको काफी अच्छा अनुभव और उन्होंने उसको शेयर किया, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका भी निदान हो सके, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। गीता बहन आकाशवाणी से आए, छुट्टी का दिन है फिर भी उन्होंने हमारे लिए बहुत ही समय निकाला उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आभार व्यक्त करते हैं गीता मैडम एफटीसी से जो हम सभी के साथ बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हैं, उन्होंने समय दिया। मयूर भाई
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए, आत्मा से आए योगेश भाई और हमारे प्रिय खेड़ूत भाइयों, सभी ने आज हमारे वैज्ञानिक सलाहकार समिति में अपना समय दिया, उस सबके लिए हम आभारी हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे जो अधिकारी कर्मचारी के और चेस के हमारे साथ रहे हैं, उन सभी का हम आज वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने के लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हम वरिष्ठ वैज्ञानिक जो जिन्होंने केएनके को आगे ले जाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और हम सबको मोटिवेट भी करती रहती हैं हर कार्य के लिए जो है, और संभवतः हम इस ऊंचाई पर जो पहुंच रहे हैं, मैडम का योगदान इसमें अच्छा योगदान है इसके लिए, और आज के जो सफल कार्यक्रम आयोजन हुआ है इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2 मिनट का हमने एक यूनिट बनाई है अभी वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार करने का, तो उस कलसिया हमने मंगाया है।